हेलो। और आज वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये बेनिफिशियल रहेगी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने में एग्जाम के टाइम पे काफी टाइम लग जाता है और उतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता, राइट? तो इस वैदिक मैथमेटिक्स वाली सीरीज के अंदर ये हमारी पहली वीडियो है। मैं डॉक्टर विपिन आपको वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स की सीरीज में लेके चलूंगा और उसमें से आज पहली ट्रिक्स हम ले रहे हैं उन नंबर का स्क्वायर निकालने की जो नंबर 5 पे एंड होते हैं। कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स दोज आर एंडिंग एट 5, उन सभी नंबर का स्क्वायर निकालना जो नंबर खत्म होते हैं 5 पे। बहुत आसान है, 2 सेकंड वाली ट्रिक है। 2 सेकंड के अंदर निकाल डालेंगे उन सभी नंबर का स्क्वायर आप जो 5 पे खत्म होते हैं। 5 पे खत्म होते हैं जैसे 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, राइट? अब इनका हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना है। स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग द नंबर टू इटसेल्फ, नंबर को उसी के अंदर मल्टीप्लाई करना, दैट इज व्हाट वी कॉल स्क्वायर। देखिए बहुत आसान सी ट्रिक है। सपोज मैं 25 को पकड़ लेता हूं। अब हमें 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, राइट? देखिए जितने भी नंबर 5 पे एंड होते हैं उनका जो स्क्वायर आएगा सबके लास्ट में 25 तो आना ही है। तो ये तो तय है कि सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, इन सब में जो स्क्वायर आएगा सबके लास्ट में 25 तो आना ही है, राइट? तो 25 को तो एक साइड रख देते हैं। अब बात आती है कि आगे क्या करना है। अब हम 25 को पकड़ के चले हैं। 25 को छोड़ दीजिए, यूनिट वाले डिजिट को छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं क्या है। 2 है। 2 का सक्सेसर क्या है? 3। सक्सेसर मतलब एक ऊपर की वैल्यू, प्लस 1 करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको सक्सेसर बोलते हैं। 2 का सक्सेसर है 3, राइट? आपने क्या करना है, जो भी आपको यूनिट डिजिट को छोड़ के जो आपको वैल्यू मिली है, जो डिजिट आपको मिली है, उसको उसके सक्सेसर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का सक्सेसर 3, 2, 3 6, 625 विल बी द स्क्वायर फॉर 25। 45 को ले लेते हैं रैंडमली। 45 को हमने लिया, 25 रख देते हैं साइड में, यूनिट डिजिट निकाली, 4 को देखा, 4 का सक्सेसर 5, 4, 5 20, तो 45 का स्क्वायर आएगा 2025, 20, 25। 75 को ले लेते हैं रैंडमली, 5 को एक साइड रख दिया, 7, 7 का सक्सेसर क्या हुआ? 8, 7, 8 56, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 5, 6, 2, 5। कितनी इजी ट्रिक है, कितनी आसान सी ट्रिक है, जिससे आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं जो 5 पे एंड होता है। करना क्या है, यूनिट डिजिट को छोड़ो, बाकी जो डिजिट बची है उस डिजिट को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 को ले लेते हैं, 9, 25 को आना ही है, 9 का सक्सेसर 10, 9, 10 90, 9, 0, 2, 5, दैट विल बी स्क्वायर फॉर 95, राइट? कितनी आसान सी ट्रिक है। वैदिक मैथमेटिक्स में भरमार है अच्छी अच्छी ट्रिक्स की और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा, राइट? मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत मुश्किल ट्रिक थी, शायद कुछ लोगों को तो आती भी होगी, लेकिन और बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलती रहेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको नई नई ट्रिक्स मिलती रहेगी, हम मोटिवेट हो जाएंगे, राइट? और वैदिक मैथमेटिक्स को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाएगा, थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाएगा, राइट? तो बहुत आसान सी छोटी सी ट्रिक थी। किसी भी रैंडम नंबर को 65 को पकड़ा, 25 तो आना ही है लास्ट में, 6 का सक्सेसर क्या हुआ? 7, 6, 7, 42, 42, 25। अब रैंडमली कोई भी आपसे नंबर पूछ लेता है कि इस नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्लिक करते, अच्छा 5 पे खत्म हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, आपसे किसने बोला 85, तो आपने सीधा सीधा बता दिया 7, 2, 2, 5, क्योंकि 8 का सक्सेसर क्या है? 9, तो 8, 9 72, तो 7, 2, 2, 5 विल बी द स्क्वायर फॉर 85। इतनी आसान सी ट्रिक्स। मैं डॉक्टर विपिन, इस वीडियो में इतना ही। अगली वैदिक मैथमेटिक्स की नई ट्रिक्स में जल्दी ही मुलाकात होने वाली है। थैंक यू। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इन वीडियोस को और आपको लग रहा है कि दीज आर सर्टेन वीडियोस दोज आर वेरी बेनिफिशियल टू यू, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दीजिए, घंटा भी दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे नई वीडियोस के। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।